इसमें तो सरपंच उनका राशन कार्ड तो है पर वो कंप्यूटर में नहीं स्टोर है तो इसलिए उनका चाहती थी कि पूरा दिन की इनफैक्ट ब्लॉक दिवस को हम दें लेकिन कुछ मीटिंग्स है जिसकी वजह से पहले सुबह एक मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई तो फिर हमने ये अरेंज किया कि आज हम यहाँ पे बैठेंगे और आपसे मिलेंगे तो लेकिन थोड़ा सा ही टाइम होगा हमारे पास आज लेकिन आई प्रोमिस यू कि अगली बार और ज़्यादा लंबा टाइम हम लेके ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी इश्यूज जैसे अभी हम इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे तो मेरा काम करने का तरीका यही रहेगा कि मैं जो भी इशू होगा उसकी रूट तक जाके उसकी जड़ में जाके कि क्या इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें 3000 के लगभग जो मैंने कल देखा 3000 के लगभग उसमें गैप है 3000 लोगों को अभी नहीं मिला है जो सर्वे में थे वो अब वेरिफिकेशन करने के बाद पता चलेगा कि वो लोग ये हमने सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सरपंच डीसी चेयरमैन साहब वो भी यहाँ पे हैं तो उनसे सबसे हमने उनके पहले इश्यूज अभी क्योंकि मेरे एज डिप्टी कमिश्नर सांबा ज्वाइन करने के बाद ही पहला ब्लॉक दिवस था तो आज इनके सबके इश्यूज का हमने आज जायज़ा लिया कि क्या क्या इनके मेन जो इश्यूज हैं जैसे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की बात हुई रोड्स की बात हुई है और कुछ डिग्री कॉलेज की बात हुई है तो ये सब इश्यूज़ को हमने नोट किया है और मैं सेपरेटली इस पर एक मीटिंग ले लूँगी और करेंगे और एक दूसरे के सहयोग से गवर्नमेंट फंक्शनरीज और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर हम जो ज़मीनी सतह पर जो है डिफरेंस है वो नज़र आएगा उसके अलावा कुछ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और कुछ और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो हमने आज यहाँ पर इशू किए हैं तो कोशिश ये रहेगी कि हर ब्लॉक दिवस में हम बहुत कंक्रीट जो सॉल्यूशंस हैं वो लोगों के लिए लेकर आए मैम आयुष्मान कार्ड को लेकर गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी में से ये है और जैसा कि अभी मैंने अब तक रिव्यू लिया है उसमें हमारे लगभग 1,78,000 3 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन में से 1,78,000 को अभी नहीं मिले हैं लेकिन उसमें रीज़न ये आया है कि वो अभी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं तो जो रजिस्टर हो गए हैं उनमें से कुछ के गोल्डन कार्ड इशू हुए हैं इशू कुछ के नहीं हुए हैं उसका सेपरेट मैंने 2 या 3 मीटिंग्स अभी तक ले ली हैं कुछ हमें उसमें मेजर्स लेने पड़ेंगे कुछ फैसले हमने किए हैं बहुत जल्दी आपको नज़र आ जाएगा उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मदद जो है हमें लोगों से चाहिए क्योंकि लोग हमारे पास आएंगे तो तभी रजिस्ट्रेशन होगी सेंटर्स अवेलेबल हैं ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं आपको सिर्फ जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ पर उसके अंदर जो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे यहाँ बताया गया कई जगह पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी इश्यूज हुए हैं उनकी हम सेपरेटली मीटिंग लेके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश तो हम ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पे बहुत देर से ये हो रहा है ब्लॉक दिवस हमारे यहाँ सांबा में 3 लोकेशंस पे होता है और अभी मैंने यहाँ पे अटेंड किया है लेकिन इसके अलावा 2 और लोकेशंस पे हमारे और ऑफिसर्स जो हैं वो ब्लॉक दिवस अटेंड कर रहे हैं और लोगों की ग्रीवेंसेस को सुन रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा किस तरह का आपको नज़र आ जाएगा क्या डिफरेंस